भजन को सुनना, इस भजन की एक एक लाइन सुनना। अब ये जो भैया जिनमें अब जोश आया है, ये सारे बुलंद आवाज में कहेंगे बाबा से कि बाबा कहेंगे। अब फोन जेब में रख लो भैया, इस भजन को अच्छे से गाना, दिल से गाना, सबकी अर्जी पूरी होगी, ये मेरी गारंटी है। जिसके जैसे भाव होंगे बाबा उसको वैसा आशीर्वाद जरूर देंगे। कहना कि बाबा बोलो हारा हूँ बाबा और अरे जीतूंगा एक दिन। बाबा दुनिया से सुना तेरे दरबार में जो हार कर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैं भी बच्चा बनकर आया हूँ, दुनिया की ठोकरें खा कर आया हूँ, मुझे विश्वास है आज हार कर आया हूँ लेकिन जीत कर जाऊंगा। अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ में और बाबा जीतूंगा एक दिन। मेरा दिल ये बाबा बस ओ मेरे माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ बेटे को तुम गले लगा जाओ। सारे कह दो हारा हूँ बाबा हाँ जीतूंगा एक दिन। कौन कौन हार कर आया है और उसको भरोसा है कि मैं जीत कर जाऊंगा, आओ जरा इस भजन में तो हाथ उठाना पड़ेगा। जो जितने लंबे हाथ उठाएगा तरक्की में उतना जल्दी ऊपर जाएगा। जितनी माताएं बहनें सर्दी लग रही है ताली बजाओ, गर्मी लगने लग जाएगी सेवा में। कहना बोलो हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता जीतूंगा एक दिन। हो हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, अरे जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। अच्छा सच में दिल कहता है तो हाथ उठाना, अरे मेरे कहने पे हाथ उठाओ कि काम नहीं बनेगा, अपने दिल से हाथ उठाओ, सिर के ऊपर ताली बजाओ। ये जोर से बोलो सबको मालूम है। पांच पांडव थे महाभारत
एक थे भीम, कौन थे? भीम। भीम के पुत्र थे घटोत्कच, कौन थे? मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, कौन थे? और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक, कौन थे? बोलो बर्बरिक सरकार की। अब सुनो, जब बर्बरिक 14 साल के हुए, महादेव की कठिन तपस्या करी, महादेव से 3 बाण हासिल करे, बोलो 3 बाण धारी की। जब 3 बाण हासिल करे, अपनी माँ को आके बोले, माँ मैं भी महाभारत की लड़ाई लड़ने जाता हूँ। माँ बोली, 14 साल का बालक महाभारत की लड़ाई कैसे लड़ेगा? हट करने लग गए, नहीं माँ मैं भी महाभारत की लड़ाई लड़ूंगा। माँ बोली, जा बेटा लड़ना, लेकिन उसकी तरफ से लड़ना जो हारे। किसकी तरफ से लड़ना? जो हारे। अब सबको मालूम था पांडव 5 हैं, लेकिन उनके साथ स्वयं कृष्ण भगवान हैं, और कौरव चाहे 100 हैं, उनके पास पूरी नारायणी सेना है, पर वो जीत नहीं सकते, क्योंकि बुराई की जीत कभी भगवान ने नहीं होने दी। कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक की परीक्षा लेने आए। बर्बरिक से बोले, 14 साल का बालक कैसे महाभारत की लड़ाई लड़ेगा? बर्बरिक बोले, स्वामी जो परीक्षा लेनी है ले लो। गोविंद बोले, बर्बरिक अपना शीश काट के मेरे चरणों में दान कर दो तो मानू कि तुम बड़े योद्धा हो। बर्बरिक ने सोचा, 1 सेकंड नहीं सोचा और शीश काटा, गोविंद के चरणों में रख दिया। बोलो शीश के दानी की जय हो। गोविंद खुश हो गए। कृष्ण भगवान ने बोला, हे बर्बरिक, तू कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा। बोलो श्याम प्यारे की। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, तेरा प्रभाव कलयुग में बढ़ता जाएगा। बोलो हारे के सहारे की। जो हार कर आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। आज तक नहीं हुआ, बाबा को वरदान है। अब ताली बजाओ, सारे बजाओ ताली। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, बिन बोल भगतों की बिगड़ी बनाता। बिन बोल भगतों की बिगड़ी बनाता। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, बिन बोल भगतों की बिगड़ी बनाता। बिन बोल भगतों की बिगड़ी बनाता। ताली बजाओ, बजाओ ताली। मेरे साथ में, मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है। मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है। आ रहा हूँ बुलंद आवाज में, अरे जीतूंगा। मैं हूँ तेरा एक बार।
पता नहीं कुछ समझ अब मुझे। जो जो हार कराया है कहना हारे हारे हो बाबा, हम तो तुम हारे के। कहते हैं कि सैकड़ों गर्ज मंद मिलते हैं और काम के लोग तो चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत का समय आता है तो सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कहना मिलकर बोलो हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे श्याम, हारे 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 ओ, तुम हारे के सहारे जय हो। ओ बाबा बोलो श्याम प्यारे। श्रृंगार हो रहा होगा तो ये जितने समिति वाले और जितने भाइयां होंगे उनसे रहा नहीं जा रहा होगा, कब कीर्तन हो, कब हम भजन सुनाएं, कब बाबा का जोत आए और कब हम कीर्तन में आनंद लें। जो जो इसको अपना बाप मानता है और खुद को इनका बच्चा मानता है वो मेरे साथ कहना क्या, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, अखियां करे इंतजार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, ओ मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, ओ मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, ओ मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे। अब बाबा बाबा पूछे कि तू खट्टू क्यों नहीं आता, मुझे खंडार में क्यों बुला लिया। बाबा पूछ सकता है सपने में आके, इतनी मेहनत करी इतनी जिद करी, हर कोई नहीं बुला सकता। आप लोग किस्मत वाले हो, किस्मत वाले मानते हो ताली बजाओ, कौन कौन किस्मत वाला मानता है सिर्फ वो ताली बजाना। ये खंडार वाले किस्मत वाले बाबा आया आपके गांव में। मैं जब आई मुझे लगा पता नहीं श्याम प्रेमी होंगे नहीं होंगे, लेकिन अनुष्का ऐसे श्याम प्रेमी बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, ये श्याम प्रेमी कहते हैं बाबा हमने आपको खंडार इसलिए बुलाया क्योंकि अरे खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता, खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता, खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है बाबा, अरे खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता, अरे जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा बाबा, अरे जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा सजता। बाबा आज खंडार बुलाया है जिद करके, आज इतने सुंदर लग रहे हो, आज जी भर कर देखूंगा। आओ जरा उठाओ बजा ताली, सीधे सीधे हाथ उठाओ, जी भर कर करूंगा दीदार सांवरे, जी भर कर करूंगा दीदार सांवरे, कहना अरे पलकों का घर तैयार सांवरे, ओ मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, ओ मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे। बोलो खाटू नरेश की, मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, कौन कौन आया है तो गा दो फिर, कहना आ गया मैं और लेने आ जा खाटू वाले आहा, आता है मतलब लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस
कि बाबा दुनियादारी छोड़ कर आया हूँ, लेने आपको मुझे आना पड़ेगा। बाबा बोले कि दुनिया तो खाटू आती है, तो मुझे रिंगस क्यों बुलाता है? तो बच्चे बोले, बाबा हार कर ठोकरे खा कर तेरे दरबार में बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ, और मैं बच्चा हूँ, और एक बच्चा ही अपने पापा से जिद करता है, है ना। तो जो जो बच्चे बन कर आए हैं, मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने भजन सुना वो भी गाना, जिन्होंने नहीं सुना अपना पड़ोसी का सुन के गा देना, और ताली भी बजाना, और अगर आप बजाओ पड़ोसी नहीं बजाए तो आपकी जिम्मेदारी पड़ोसी से भी बजवाना। आओ जरा। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, और बाबा लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ बोला, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, खाटू श्याम मित्र मंडल। कितने टाइम से बना भैया? अभी बना, पहली बार 2 महीने पहले मंडल बना और इतना बढ़िया कीर्तन करा, इनके लिए ताली बजाओ। अब इन भाइयों में से कौन कौन चाहता है कि आप भी कीर्तन कराओ अपने घर पे? मंडल बना के चाहते हो? अरे मंडल बनाकर मत करना, इस समिति से जुड़ जाना। आज अधिष्ठानुष्का को बुलाया, एक दिन कन्हैया मित्तल को बुलाना, और कहना सारे साथ में, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा मैं कीर्तन करवाऊंगा, और कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बनाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बनाऊंगा। बोलो खाटू नरेश की।
में श्रृंगार करोगे तो फूल कहाँ से मंगाना चाहोगे? अरे निखिल, अनुष्का, हाँ मैं बताती हूँ, ये ना लंदन से फूल मंगवाए। ऐसा? हाँ पक्का? कौन कौन मंगाएगा? अच्छा लंदन से मंगाओगे तो घाटू से मंगाओगे? ये बात क्या कहने देना चाहते थे? घाटू के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, घाटू श्रृंगार कराऊंगा, मैं कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बनाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बनाऊंगा। अब ये कीर्तन कराया, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते, कुछ आपको बोलते हैं कीर्तन कर और बढ़ा कर मैं तेरे साथ हूँ, कुछ लोग टांग खींचने लग जाते हैं, क्या इतने पैसे खर्च करना, क्या करना, कीर्तन करके घर में भजन गा लो। दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं तो बुरे भी होते हैं, लेकिन जब कोई बुरा बोले ना तो सुनना, उनको कहना और बाबा से भी कहना, बाबा हमें क्या मतलब, हमें तो बुलाना है, आप आओगे? और हम तो एक ही बात कहते हैं, मतलब की इस दुनिया से हमको तो नफरत है, और कहना अरे ओ सांवले, ओ मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवले मुझे तेरी जरूरत है, अरे ओ सांवले मुझे तेरी जरूरत है। तार की बोलो, मोर विनंदन की। तुझसे पूछता हूँ, एक बच्चा हूँ, जिद करके विश्वास से कहता हूँ, सुनिएगा, कि साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अरे बाबा कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किसी से मदद मांगने जाओगे अगर मदद कर देगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ताना जरूर मारेगा कि मैंने उस समय तेरी मदद करी थी, लेकिन इसके दरबार में आके जितना मांगोगे गलती करोगे तो भी माफ कर देगा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेगा। आज आए हो इतने समय तक, इतनी सर्दी में रुके हो, पूछ लेना अपने अपने भाव से कि बाबा तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, के साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। आओ जरा जो जो सुनाने आया है दिल की बात, जो जो विश्वास से आया है, अपने अपने भाव से, अब नहीं बोलूंगी ताली बजाओ, अब वही ताली बजाना जो सच्चे और श्रद्धा भाव से आया। आओ के साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, सुनोगे तो कौन सुने, बोलो तुम ना सुनोगे तो कौन सुने, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुने। धीरे बजाओ, जोर से बजाओ, ताली जरूर बजाना भाव से, एक दो तीन बजाओ।
से पूरे भाव से गा देना। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। और कहता है बाबा से, बाबा पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अरे अपने हाथ से हाथ पकड़ना, बताओ सच में जिस जिसको लगन लगी वो हाथ उठाना, बाबा से किस किस को लगन लगी, जिसे जिसके तार जुड़े हैं ताली बजाओ, ताली बजाओ धीमा धीमा, कहना ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओलीले वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओलीले वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। और प्रेमी कहता है बाबा ओ जैसे दीपक और बाती साथ रहे, जैसे मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। जय हो, बोलो खाटू नरेश की। Thank you.
जो आज पहली बार कीर्तन में आया हो या फिर जो पहले भी कीर्तन में गया हो लेकिन आज कीर्तन में बहुत लगन लगी हो, आनंद आया हो, ऐसा कौन कौन है जो जहां बाबा का कीर्तन होता है वहां चले जाते हैं? इधर वाले भी जाते हैं, ये नहीं सोचते कितना दूर है कितना पास है, अगर कोटा होगा तो कोटा भी चले जाएंगे। ये प्रेमी पता है क्यों जाते हैं? तुमसे मिलना, बातें करना, ओ बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना, ओ बड़ा अच्छा लगता है। बाबा, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये पागलपन मुझे कैसे लगा। पहले इतनी पूजा सेवन नहीं करता था लेकिन जब से आपसे जुड़ा मुझे खुद समझ नहीं आता, आपकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, क्यों मगर, जो भी है वो बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। और एक प्रेमी जो जिंदगी भर चरणों की सेवा करता है, जैसे हमारे दरबार वाले भैया दिन रात भोग लगाते होंगे, सेवा करते होंगे, ऐसे मेरी माताएं बहनें घर में भोग लगाती होंगी, पूजा पाठ करती होंगी, भैया मंदिर जरूर जाते होंगे, कुछ भी काम धंधे पर गए पहले मंदिर गए, वो प्रेमी कहते हैं जिन्हें सच्ची लगन है। क्योंकि कलयुग में हर इंसान पूजा पाठ धर्म की ओर नहीं जा रहा, कुछ लोग हैं इधर जाते हैं तो कुछ इधर भी जाते हैं, लेकिन जो धर्म की तरफ है वो कहते हैं जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी, तुझको चाहूंगा शाम। कहना मेरे साथ, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, ओ शाम। मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं कह देना क्या कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ओ बाबा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलो खाटू नरेश की, सारी बाबा छोड़ के कौन कौन आया है तो गा दो फिर, कहना आ गया मैं और लेने आ जाओ खाटू वाले। आहा, आता है मतलब लेने आ जा खाटू वाले, रिंगस के उस के बाबा दुनियादारी छोड़ कर आया हूँ, लेने आपको मुझे आना पड़ेगा। बाबा बोले कि दुनिया तो खाटू आती है तो मुझे रिंगस क्यों बुलाता है? तो बच्चे बोले बाबा हार कर ठोकरे खा कर तेरे दरबार में बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ, और मैं बच्चा हूँ और एक बच्चा ही अपने पापा से जिद करता है ना। तो जो जो बच्चे बन कर आए हैं मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने भजन सुना वो भी गाना, जिन्होंने नहीं सुना अपना पड़ोसी का सुन के गा देना, और ताली भी बजाना, और अगर आप बजाओ पड़ोसी नहीं बजाए तो आपकी जिम्मेदारी पड़ोसी से भी बजवाना। आओ जरा, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनिया
सुने बाबा का तू नाम क्या कहा? कहा मुझे किसी शाम भगत ने बाबा का तू नाम ले। अपने पराए छोड़ गए सब दिल मेरा ये तो बाबा क्या करूं? अपने पराए छोड़ गए सब दिल नाम है श्याम परिवार खंडार खाटू श्याम मित्र मंडल। कितने टाइम से बना भैया? अभी बना पहली बार। 2 महीने पहले मंडल बना और इतना बढ़िया कीर्तन करा, इनके लिए ताली बजाओ। अब इन भाइयों में से कौन कौन चाहता है कि आप भी कीर्तन कराओ अपने घर पे मंडल बना के? चाहते हो? अरे मंडल बनाकर मत करना, इस समिति से जुड़ जाना। आज अधिष्ठानुष्का को बुलाया, एक दिन कन्हैया मित्तल को बुलाना और कहना सारे साथ में, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। तू कृपा कर बाबा मैं कीर्तन करवाऊंगा। ओ कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बनाऊंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बनाऊंगा। श्रृंगार करोगे तो फूल कहाँ से मंगाना चाहोगे? अरे निखिल अनुष्का, हाँ मैं बताती हूँ, ये ना लंदन से फूल मंगवाए। ऐसा? हाँ पक्का? कौन कौन मंगाएगा? अच्छा लंदन से मंगाओगे कि खाटू से मंगाओगे? ये बात क्या कहने देना चाहते थे कि खाटू के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा। श्रृंगार कराऊंगा मैं कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बनाऊंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बनाऊंगा। अब ये कीर्तन कराया, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते। कुछ आपको बोलते हैं कीर्तन कर और बड़ा कर मैं तेरे साथ हूँ, कुछ लोग टांग खींचने लग जाते हैं क्या इतने पैसे खर्च करना, क्या करना, कीर्तन करके घर में भजन गा लो। दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं तो बुरे भी होते हैं, लेकिन जब कोई बुरा बोले ना तो सुनना, उनको कहना और बाबा से भी कहना, बाबा हमें क्या मतलब, हमें तो बुलाना है, आप आओगे? और हम तो एक ही बात कहते हैं, मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है, मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है। और कहना अरे ओ सांवले ओ मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवले हमें तेरी जरूरत है, अरे ओ सांवले मुझे तेरी जरूरत है।